नमस्ते होगा। किसी मुनिराज का स्वास्थ्य सही नहीं हो और वो औषधि नहीं लेते तो हम उनको चुपके से औषधि चला सकते हैं क्या? चुपके से चला देने का और क्या, लेकिन अशुद्ध और अभक्ष नहीं होना चाहिए। मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और उचित और योग्य शुद्ध वस्तु है, कई बार तो क्या लापरवाही होती है कि वो उकाली बना के लाए। उकाली किस चीज़ की होती है? लौंग पड़ेगी, इलायची पड़ेगी, और क्या होता है, दालचीनी हो सकती है, सौंठ हो सकती है, अगर मीठा चल रहा है तो गुड़ या शक्कर हो सकती है, और क्या बोलते हैं, दवाई ले लो दवाई ले लो। अरे सीधी उकाली बोलो ना, और नाम पूछने लगे बता दो कि लौंग है, ये है, बस बात खत्म हो गई, मसाले हैं। ऐसे ही ठंडाई बना के लाते हैं, मान लीजिए ठंडाई दवाई ले लो, गर्मी की दवाई, और ठंडाई है इसमें, इसमें घिसा हुआ बादाम है, मुनक्का है, अमुक चीज़ है। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लेने से बुखार ठीक हो जाएगा। अब है तो वो चौके की चीज़, और कह रहे हैं दवाई है, सॉरी दवाई है, दवाई है, महाराज जी की दवाई लाओ। महाराज मरीज हैं क्या? बड़ा भद्दा लगता है, महाराज जी की दवाई ला। हाँ, सचमुच वैद्य जी ने कोई विशेष औषधि दी है जो चौके एक्सिस में नहीं होती है, बाहर के वृक्षों से, छालों से आई है, तो अभी है तो वृक्षों की छाल, अगर आपको पता पड़ गया तो बोल दो इसमें अर्जुन की छाल है, इसमें नीम की छाल है, ताकि दवा दवा कह करके और तमाशा नहीं बने। और अगर औषधि भी है और नहीं लेते कि भाई औषधि है, पता नहीं इसमें क्या मिला है, या मेरा त्याग है औषधि का, और आपको पता है कि शुद्ध है, तो आप चला सकते हो तो चला दीजिए। ओम। और किसी का प्रश्न खड़ा देगा? नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। मेरी ये जिज्ञासा है, आज के कक्षा में है तो जल्दी से पूछो, मिथ्या दृष्टि लोग समोषण में नहीं पहुंच सकते हैं और अभव्य जो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ये बात भी बताई कि अंधविदशा युक्त नहीं हाँ। जा सकते, तो अंधविदशा क्या हुआ? अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब है अस्थिर परिणाम, संशय में पड़ी हुई लोग। अनध्यवसाय मतलब वैसे, अध्यवसाय का मतलब होता पुरुषार्थ, और अनध्यवसाय का मतलब होता एक तरह का संशय, एक तरह का भ्रम, अस्थिर बुद्धि वाले लोग भी तमोसरण में नहीं पहुंच पाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी नहीं पहुंच पाते। आज सत्यलोक परिणति में आया सही। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री मैं पूछना चाहता हूँ कि स्त्री पर्याय में तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते, जबकि भगवान को जन्म देने वाली भी तो स्त्री थी। जो है सिद्धांत शास्त्रों का थोड़ा अभ्यास, स्वाध्याय की बहुत कमी है पूरे समाज में। तुम तो युवा हो कि प्रश्न पूछ रहे, चलो ये भी कम से कम जिज्ञासा तो हुई। तो मातृवर्ग में तीन संघनन हो सकते हैं, नत्थित्ति कम भूमि महिलनम नत्थित्ति जिनही दिट्ठल, आदिम तिग संघनना भोग भूमि आदि के तीन संघनन भोग भूमि की महिलाओं को हो सकते हैं, कर्म भूमि की महिलाओं के अंत के तीन संघनन होते हैं, शुरू के तीन जो उत्तम संघनन है जिस संघनन से मोक्ष जा सकते हैं वो वज्रसभ नारा संघनन किसी भी हालत में कभी भी कर्म भूमि की महिलाओं को नहीं होता है। इसलिए वो संघनन ना होने से और परिणामों की स्थिरता ना बनने से, श्रेणी आरोहण ना होने से, शुक्ल ध्यान ना होने से उन्हें तीर्थंकर जैसी प्रकृति का आश्रय बंध नहीं होता, वो तीर्थंकर भी नहीं बनते हैं और वो मोक्ष भी नहीं जाते हैं। और ये कोई अन्याय नहीं है, अगर वो सही पुरुषार्थ करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे और वहां से अगला भाव लेकर के मोक्ष चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओम महाराज। नमोस्तु महाराज जी। के परमात्मा पे विश्वास करने से स्वर्ग मिलता है और अपने स्वयं पे विश्वास करने से मोक्ष मिलता है, इसका तात्पर्य क्या है? कि अपने पर विश्वास करो, मुनि बनो। परमात्मा पर विश्वास करना माने तीर्थंकर हैं, सिद्ध हैं, अरहंत हैं, ऐसा विश्वास करेंगे तो स्वर्ग जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं खुद चैतन्य घन आत्मा हूँ, मैं होनहार परमात्मा हूँ, और इस तरह का उद्यम करके रत्नत्र प्राप्त करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। ओम। नमस्ते गुरुदेव।
मेरे को पैरालिसिस नमस्ते गुरुदेव, मुझे गुरुदेव मुझे जो पैरालिसिस हुआ ये मेरे किस दुष्कृत्य के कारण हुआ और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, पश्चाताप क्या करना चाहिए इसके? अरे जिंदा हो इसकी खुशी मनाओ, पश्चाताप तो क्या करोगे, बस नमोकार मंत्र के जाप करो और जैसे धर्म ध्यान करते हो करते रहो। किसी न किसी कर्म के उदय से भी होता है, कभी कभी कोई खान पान बिगड़ने से भी होता है, और कभी कभी शरीर में कुछ क्लश वगैरह आ जाने से भी होता है। असत कर्म का पिछले भाव का भी हो सकता है, इस भाव का भी हो सकता है। आप ज़्यादा कोई पश्चाताप करने की बजाय जैसे धर्म ध्यान कर रहे वैसे ही और अच्छे से धर्म ध्यान करें, जाप करें, परोपकार करें ताकि पुण्य बढ़े। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने 1 करोड़ जाप लिए, लास्ट में तबीयत खराब होने से सूती माला फेरी, तो उसका सूती माला फेर दी ना। हाँ। कोई बात नहीं, अब स्वस्थ हो गए, अब बैठे बैठे फेरने का। ओम नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। ऐसे महिलाएं ये स्वाददशमी का उपवास करती हैं ना, तो ये क्या हमारे परिवार में किसी के छठा उपवास है, ये छठवां साल है और अभी उनके ऑपरेशन से बच्चा हो गया, अब 1 महीने हॉस्पिटल में रहेंगे वो, तो ये उपवास वो पहले वाले गिनने में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, या करें या नहीं करें वो? ऐसा होता है, क्या करें, तो हम तो ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए 1 उपवास छूट रहा है तो 1 उपवास वो आगे बढ़ा ले, मैं मानी जितने जैसे 10 होना है तो 1 और अगले साल के हिसाब से बढ़ा लें। इस तरह पहले वाले गिनने में आ जाएंगे वो? हाँ, गिनने में आ जाएंगे, और अगर पहले 1-2 ही हुए हैं तो फिर उनको छोड़ के नए सिरे से पूरे ही करो। अगर ज़्यादा हो गए, आधे से ज़्यादा हो गए, 5 हो गए उनके, ये छठा होगा अभी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमो आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य महाराज जी। यह मांगी तुंगी से हनुमान जी मोक्ष गए हैं, फिर आप अदरकाश में क्यों मानते हैं उनको? मना करके आओ मोक्ष आपने, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ी समझो, लोगों की भी मान्यता है, उनने जिस रूप में मान लिया, मान लो कि वो लंका के लिए गए थे, अशोक वाटिका में गए थे, विद्याधर थे, उनने बानर का रूप बनाया था, अब उन लोगों ने वही रूप पकड़ लिया, अथवा बानर उनका वंश था, लोग नहीं समझ पाए कि वो एक राजा थे और नाम था उनका, वंश था उनका बानर, तो उन लोगों ने उस रूप में मानना पूजना शुरू कर दिया, और राज्य अवस्था के आगे मानने की तो किसी की हिम्मत पड़ती नहीं है, क्योंकि राज्य अवस्था के बाद जो सब कुछ त्यागना पड़ता है, मोह त्यागना पड़ता है। अभी भी त्याग की बात करो ना, अभी भी वैराग्य की बात करो, बहुत आध्यात्मिक उपदेश दो तो आधे लोग भाग खड़े होते हैं, जमता नहीं है, सहन नहीं होता है, क्योंकि राग में पड़े हुए हैं। तो इसलिए वो लोगों की मान्यता में हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं, और ये अच्छी बात है कि जो लोग इनको मानते हैं, भी बहुत सारे लोग शाकाहार और सदाचार को आज भी स्वीकार करते हैं। ओम नमस्तु आचार्य श्री। बाकी जैन धर्म के अनुसार तो परम पवित्र महाव्रती मुनिराज बनकर के मोक्ष पधारे हैं, वंदनीय हैं, हम भी उन्हें नमन करते हैं। ओम झूल परम पूजा श्रीमन सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमस्ते गण रिचा से राजेश जैन। देव किसे कहते हैं एवं देव कितने प्रकार के होते हैं? परसों ही तो इस पर चर्चा हुई थी, देव किसे कहते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं। क्या एक कुछ थोड़े से प्रश्न कहीं से कबाड़ करके रख लिए इनने? दिब्बंति जदो निच्चम भासंत दिब्ब काया, जो सुंदर शरीर वाले होते हैं, रिद्धि संपन्न होते हैं, विक्रिया शरीर वाले होते हैं, क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा प्रेमी होते हैं, वो देव कहलाते हैं। और देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, और इसका विस्तार से अध्ययन करना है तो तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाएं देखिएगा। नमस्ते भगवान। ब्रह्मचारी निर्मल जैन खरगोन से पंड पुच्छा का
विस्तार संपूर्ण अर्थ या प्राकृत में जिज्ञासा समाधान निवेदक नमस्ते। प्रश्न पूछा, प्रश्न का मतलब होता है प्रश्न, पूछा माने पूछना, प्रक्षा पूछना, पूछिए पूछो, प्रश्न पूछा प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछेंगे किससे पूछेंगे, गुरुजनों से, बुद्धिजीवी जनों से, तो उत्तर मिलेगा, समाधान होगा। ये जिज्ञासा समाधान का ही एक नाम है। प्रश्न शब्द धवला जी में भी आया है और आज तिलोक प्रणति में भी प्रश्न शब्द प्रश्न के लिए आया। चौथे अधिकार में ओम नमस्ते। भगवान राजेश जैन, समूर्छन जन्म का क्या मतलब है? समूर्छन जन्म का मतलब है कि जिन जीवों को कोई माँ बाप नहीं होते हैं, जो विक्रियक शरीर वाले भी नहीं होते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से ही वो उद्गल परमाणु ग्रहण करके अपने शरीर की रचना करते हैं, वो समूर्छन जन्म वाले होते हैं। जैसे आपने आटे के डिब्बे में आटा भर के रख दिया और निकल गए समीर शिखर की यात्रा पर, जब वापस आए महीने 15 दिन बाद, तो देखा कि उसमें छोटे छोटे सफ़ेद कीड़े, वो भी आप देखोगे तो समझ में आएगा, यूँ सीधा डाल करके और बनाना चालू कर दिया तो उस मांस खाने जैसा दोस्त। और ऐसे ही करते हैं अक्सर कर लोग, अभी तो इतने आलसी, ठीक से आपने देखोगे तो बारीक बारीक छोटे छोटे जीव, वो बताइए आप कहाँ से आए, समूर्छन जन्म। अब आपने समझ लीजिए बहुत सारी मीठी चीज़ें खाई, ऐसा कोई मिक्स मसाला हो गया कि पेट में जाके सब जमा हो गया, अब फिर उसमें वो बन गए कृमि, चुनूना, क्या बोलते हैं, मल में से निकले। अब कभी तो मालूम भी पड़ता है कि काटते हैं या काटते क्या हैं, वो अंदर अंदर घूमते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो काट रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, चुनने, हाँ। अब वो कहाँ से आए पेट में हैं, वो समूर्छन जीव इस टाइप से। तो बहुत जगह साग भाजी में बन जाते हैं, बासी चीज़ों में बन जाते हैं, ऐसा ऐसे कहते हैं कि अगर बेटे बेटियाँ अच्छे ही निकलना चाहिए, लेकिन अगर खराब निकल जाएं तो बोले ऐसे विचार करो कि जैसे पेट से वो निकले वैसे पेट से ये भी तो निकलते हैं, यही समझ लो कि इनमें और उनमें अंतर क्या है। ओम नमस्ते। भगवान कल्पना जैन भिलवाड़ा से, हमें अपना पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अब यही प्रश्न रोज 100 जने पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब क्या करना चाहिए, ये जो समझता है वही बात पूछते हैं। पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य करना चाहिए, सत प्रवृत्तियाँ करना चाहिए, मन वचन का है कि अच्छी प्रवृत्ति रखना चाहिए, जिन क्रियाओं से मन की शांति हो, निर्मलता बनी रहे, परिणाम विशुद्ध हो, पुण्याश्रय हो, वो काम करना चाहिए। ओम नमस्ते। भगवान मंजुला जैन, महावीर जैन, प्रसूति ग्रह में या महिला अशुद्धि में किसी को जयजेंद्र बोल सकते हैं? अशुद्धि में तो मौन रहना चाहिए, बोलने की बात तो बहुत दूर है। ये जरूर है कभी घबराहट हो रही है, कभी कोई चित्त नहीं लग रहा तो नमोकार का चिंतन करो, परमात्मा के मुनियों के गुणों का चिंतन करो, लेकिन देव सतगुरु को छू नहीं सकते। ओम नमस्ते। भगवान चेतन प्रकाश मुंबई से, समय सार का हम श्रावक भी स्वाध्याय कर सकते हैं और अशुद्धि रखना चाहिए या चलेगा? स्वाध्याय तो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले और ग्रंथों का भी स्वाध्याय होना चाहिए। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानुयोग का भी स्वाध्याय होवे, करणानुयोग का भी स्वाध्याय हो, चरणानुयोग का भी स्वाध्याय हो, और फिर द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय हो, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान में आएगा,
और कोई भी ग्रंथ है, शुद्धि तो होना चाहिए, कपड़ों की शुद्धि हो और कम से कम एक सादा शुद्धि तो होना ही चाहिए कि कपड़े धुले हुए हैं, हाथ माँ धुला हुआ है, मुंह जूठा नहीं है, स्थान ठीक है, कोई अशुद्धि वाला नहीं है इस घर में, इस टाइप से। ओम नमस्तुगन। किसी मुनि महाराज के प्रवचन में सुना कि सम्यक दृष्टि मुनिराज को ही नमोस्तु करना, अन्यथा नहीं करना, तो मैं कैसे पहचान करूं कि यह सम्यक दृष्टि है? वो जिन महाराज जी ने ऐसे कहा उनसे कहो कि एक टेस्टर का भी आविष्कार करो, क्या हम उनके नाक में कान में कहीं लगा करके चेक करें कि ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है? बात तो ठीक है कि सम्यक दृष्टि को ही करना चाहिए, सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दर्शन हो, ज्ञान चारित्र हो, तो ही वो मुनिराज है, तो ही भावलिंगी कहलाएंगे, नहीं तो केवल द्रव्य लिंग ओढ़ रखा है, केवल व्रत घसीटे जा रहे हैं तो उससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्रतों का भी अपना महत्व है, अकेले व्रतों का ही ठीक ढंग से शुद्ध शुद्ध पालन हो जाए तो नौ विग्रह तक की उपलब्धि हो जाती है, बड़े से बड़े देव बन जाते हैं, तो लाभ तो उसका भी है लेकिन उससे भाव पार नहीं होते, इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन जिन्हें हैं, रत्नत्र जिन्हें हैं, उन्हें ही वंदन करना चाहिए। अब आप कैसे महसूस करेंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो बस उनकी द्रव्य क्रिया चारित्र वगैरह से ही अंदाज लगाएंगे कि भाई इनका तो बहुत शांत जीवन है, आनंदमय जीवन है, ज्ञानमय जीवन है, तो ये सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ओम नमस्ते भगवान। लक्ष्य जैन यूएसए से, प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? बहुत सारी बातें हैं संबंध में, कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो अभिषेक को नहीं मानते रहे हैं, तो वो कहते थे कि सिर्फ भगवान जी को कपड़े से हवा कर दिया, धूल उड़ा दी तो प्रक्षाल हो गया, अथवा एक कपड़ा जर्रा सा गीला किया और सिर्फ ऐसे ऐसे रूमाल जैसे पोंछ दिया, जैसे बुखार वाले बच्चे को पोंछते हैं ना, अब उसको नहाना है नहीं, मलेरिया बुखार है, तो उसको क्या करते हैं, एक रूमाल गीला करके और हल्का हल्का पोंछ देते हैं। कई बार जो महिलाएं होती हैं बाल नहीं धोना चाहती कि कौन धोए क्या करें हफ्ते महीने में, तो क्या करते हैं ऐसा उस टाइप से, तो ऐसा रहा तो उसको भी प्रक्षाल कहते थे। बाकी यह है कि ऐसे अगर जलाभिषेक वगैरह किया जाए तो वो अभिषेक कहलाता है। प्रक्षाल का सामान्य अर्थ यही समझ में आता है कि भगवान को सिर्फ पोंछ देना तो प्रक्षाल, और नहीं तो अभिषेक, फिर अभिषेक की विधियों से होता ही है, बड़े बड़े अभिषेक भी होते हैं। ओम